दरिया में हम जानी ना किनारा बा, अलग होके तड़पती दिल बेचारा बा। याद 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 बस याद ही सहारा बा, याद 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 बस याद ही सहारा बा। कैमरे पर जो आप मखान देख रहे हैं, ये भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह का पैतृक आवास है। पवन सिंह के बारे में तो आप कई बातें जानते हैं, लेकिन पहली बार हम उनके घर और उनके घर वालों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। तानी जा जाए बदरा, तू चली जा, तू जा के बेदर्दी से कहिया, तू जाके बेदर्दी से कहिया। तानी जा जाए बदरा, तू चली जा, कहिया लोर हाई प्रेमी के, कहिया परिसा के आंगन में आइया। तानी जा जाए बदरा, तू चली जा। अभी हम खड़े हैं भोजपुरी संगीत के चर्चित कलाकार और सुपरस्टार पवन सिंह के घर, गांव जोकहरी में। आप देख सकते हैं कि इनके घर पे भी और इनके पूरे गांव में एक संगीत की ऐसी फिजा गूंजती है जो पवन सिंह के जैसी सुरीली आवाज़ होती है, ठीक वैसे ही यहां का माहौल भी एक तरह से संगीत की सुरीली आवाज़ है। भोजपुरी गीत और फिल्म के सुपरस्टार पवन सिंह के परिवार में सरस्वती विराजती है, ये हमें उनके गांव जाकर मालूम चला। जब उनके गांव घर के दूसरे बच्चे भी अपने भैया पवन सिंह के रास्ते पर चलते हुए नजर आए। ये पवन सिंह के चचेरे भाई हैं। नैन नक्श से हूबहू पवन सिंह की तरह दिखने वाले उनके ये भाई गाते भी बिल्कुल पवन सिंह के अंदाज में ही हैं। अलग होके तड़पती दिल बेचारा बा, याद 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 बस याद ही सहारा बा, याद 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 बस याद ही सहारा बा। ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद ही सहारा बा, याद 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 बस याद ही सहारा। आरा मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बढ़हरा प्रखंड का जो खरी गांव, जहां भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का पैतृक गांव है। जो खरी गांव निवासी स्वर्गीय रामाशंकर सिंह के तीन बेटों में सबसे छोटे बेटे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े पवन सिंह जिन गानों से आज लोगों का दिल बहलाते हैं और लाखों लोग पवन सिंह के दीवाने हैं, दरअसल वैसी गायकी जो है उनके चाचा अजीत सिंह के मेहनत का नतीजा है। भोजपुरी के श्रोताओं के लिए जहां सुरों के सम्राट मुखर अभिनेता पवन सिंह माने जाते हैं, वहीं उनके परिवार में संगीत को एक अलग ही स्थान दिया जाता है। पवन सिंह के चाचा भी एक गायक रह चुके हैं और उनके घर के और भी बच्चे पवन सिंह के रास्ते पर ही चल निकले हैं। तो उम्र था 4.5 साल जब परखना लोग पसंद करने लगे, जबकि ये बच्चा लयदार होगा ये लोग मेरे भाई लोग, उस टाइम में 4.5 साल का उम्र था मैं। 1.5 साल तक मैंने इन लोगों को बात सुनता रहा। 6 साल जब का हुआ पवन, तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं ये बड़े भैया लोग बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चलिए भाई ध्यान दिया जाए। तो 6 साल से लेकर के 7 साल तक सिखाए, इसके बाद इतना ना स्टेज मिलने लगा कि सिखाने का फुर्सत ही नहीं लगा मुझे, उसी पर गाड़ी खींचा गया यहाँ तक। जुकहरी गांव के लोग पवन सिंह को एक वरदान और आदर्श के रूप में मानते हैं। गांव के जवान से लेकर बूढ़े तक का आशीर्वाद और प्यार
पवन सिंह को अक्सर मिलता रहता है। गांव वाले पवन सिंह की उपलब्धि से खासे खुश हैं, क्योंकि पवन के कारण पूरे देश में उनके गांव के नाम का प्रचार और प्रसार हो रहा है। पवन को हम महान गायक और महान कलाकार, भोजपुरी के महान कलाकार और महान गायक के रूप में महसूस करते हैं। पवन आते हैं यहाँ गांव पे? हाँ, कभी कभार आते हैं। आपसे मिलते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। कैसा उनका गायक? देखिए, उस वो आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ है अभी तक, सबसे खुशी की बात है कि पवन जैसे आदमी इस गांव से अभी भी उतना ही प्रेम है जो बचपन में था। तो ये एक बहुत बड़ा महानता उसमें है, उस लड़का में एक महानता तो है जो कि उस गांव जिस धरती से जुड़ा हुआ था अभी भी धरती से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो महान कहा जाएगा। सुपरस्टार पवन सिंह के गांव के मकान के साथ साथ चमचमाता और आलीशान मकान आरा शहर में भी स्थित है। पीले रंग की चादर ओढ़े इस मकान की भव्यता देखते ही बनती है, और इसे देखकर ये भी मालूम पड़ता है कि पवन सिंह कमाई के मामले में किसी से भी कम नहीं है। देखना चाहते हैं तो वहीं उनके परिवार के सदस्य संगीत के इस परंपरा को सजोकर सदियों तक कायम रखना चाहते हैं, ताकि भोजपुर और भोजपुरी की संगीत की सौंधी खुशबू देश के कोने कोने तक फैले और जिला सहित पूरे बिहार का विश्व में नाम हो। आरा से सोनू सिंह, बिहार तक।